हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आज अपन आई डिसऑर्डर का लास्ट टॉपिक लेंगे, रिफ्रैक्टिव एरर्स। रिफ्रैक्टिव एरर काफ़ी इजी टॉपिक है, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये लास्ट टॉपिक है अपना आई डिसऑर्डर का। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्रैक्टिव एरर्स। ऐसे रिफ्रैक्टिव एरर्स कौन कौन से होते हैं, उनका मैनेजमेंट क्या है और उनका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या है, होते क्या है, कौन कौन से होते हैं, वो सारा आज अपन डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्टिव एरर्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव एरर्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव एरर्स होते कौन कौन से हैं, रिफ्रैक्टिव एरर होता क्या है। सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव एरर क्या होता है। रिफ्रैक्टिव एरर के अंदर क्या होता है कि रिफ्रैक्शन ऑफ एरर हो जाता है, किसके अंदर लाइट के थ्रू। यानी कि पर्सन क्या करता है, जो रिफ्रैक्टिव एरर के अंदर विजुअल एक्यूटी है वो लॉस हो जाती है रिफ्रैक्टिव एरर के अंदर। अब रिफ्रैक्टिव एरर काफ़ी टाइप्स के होते हैं, काफ़ी मतलब बोले तो मोस्टली ये टू टाइप्स के होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला कौन सा होता है, मायोपिया। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट इसके बाद हाइपरओपिया, इसका दूसरा नाम है हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, इसके अलावा एक और आता है प्रेसबायोपिया। ठीक है, अपन एक एक करके तीनों को डील करेंगे। सबसे पहले मायोपिया क्या होता है। मायोपिया, हाइपरओपिया, प्रेसबायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम क्या है, हाइपरओपिया। सबसे पहले आता है मायोपिया। ठीक है, मायोपिया क्या होता है, मायोपिया के अंदर कौन सी कंडीशन होती है। अपन रिफ्रैक्टिव एरर में मोस्टली दो चीज़ पढ़ेंगे, पर्सन को क्या होना, पास का नहीं दिखना और दूर का नहीं दिखना, दो ही चीज़ अपन रिफ्रैक्टिव एरर के अंदर पढ़ेंगे। उसके अंदर सबसे पहले आता है मायोपिया। मायोपिया के अंदर क्या होता है, नियर साइटेडनेस। ठीक है, नियर साइटेडनेस होता है किसके अंदर, मायोपिया की कंडीशन के अंदर। और ये क्या होता है, मोस्ट कॉमन टाइप होता है किसका, रिफ्रैक्टिव एरर का मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर्स। रिफ्रैक्टिव एरर का क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, पर्सन क्या करता है, सफर हो जाता है नियर साइटेडनेस के अंदर। और इसका ट्रीटमेंट है वो अपन कैसे करते हैं, मायोपिया का जो ट्रीटमेंट है वो इजीली ट्रीट किया जा सकता है। जैसे इसके अंदर कौन सा लेंस यूज में लेते हैं, इसके अंदर कॉनकेव लेंस यूज में लेते हैं, कौन सा, कॉनकेव। मायोपिया की कंडीशन में नियर साइटेडनेस हो जाता है, मोस्ट कॉमन टाइप होता है और कॉनकेव लेंस से इसको ट्रीट किया जाता है। बस यही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, मायोपिया के अंदर क्या होता है, नियर साइटेडनेस होती है, मोस्ट कॉमन टाइप होता है और कॉनकेव लेंस है वो इसके अंदर यूज में लिया जाता है। फिर आता है नेक्स्ट इसके बाद हाइपरओपिया या हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, हाइपरओपिया या हाइपरमेट्रोपिया, इसके अंदर क्या होता है, फार साइटेडनेस। ठीक है, इसके अंदर कौन सा लेंस यूज में लिया जाता है, अगर हाइपरओपिया या हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन हो रही है तो उसके अंदर कॉन्वेक्स लेंस यूज में लिया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, मायोपिया के अंदर कौन सा था, मोस्ट कॉमन टाइप था, कॉनकेव लेंस यूज में लेते हैं और इसके अंदर कॉन्वेक्स यूज में लेते हैं, कॉनवेक्स और इसके अंदर कॉनकेव। ठीक है, इसके अंदर फार साइटेडनेस होती है, इसके अंदर नियर साइटेडनेस होती है, बस यही दोनों में डिफरेंस है और कुछ नहीं है, फार साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस। फिर आता है इसके बाद प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया क्या होता है, ठीक है, प्रेसबायोपिया थर्ड। ठीक है, फर्स्ट मायोपिया, सेकंड हाइपरओपिया या हाइपरमेट्रोपिया या हाइपरओपिया,
फिर आता है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया के अंदर क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है किसके अंदर, लेंस के अंदर, है ना, क्या होता है फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है लेंस के अंदर, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेंस, लेंस के अंदर क्या हो जाता है फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है, ठीक है। इसके अंदर इतना कुछ है नहीं, प्रेस बायोपिया के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है, और ये मोस्टली किस वजह से होती है, फ्लेक्सिबिलिटी एजिंग प्रोसेस की वजह से, किसकी वजह से, एजिंग प्रोसेस, जैसे जैसे एज इंक्रीज होगी वैसे वैसे क्या हो जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी किसकी, लेंस की, ठीक है। फिर इसके बाद आता है फ्लेक्सिबिलिटी जो, सॉरी बढ़ जाएगी नहीं, कम हो जाएगी, जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है लेंस की, डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। और इससे पेशेंट को क्या होगा, एक्सपीरियंस क्या रहेगा, पेशेंट क्या, नियर विजन भी जो होगा वो भी लॉस होगा, और फार विजन भी इसके अंदर लॉस होगा, मोस्ट वो दोनों वाली कंडीशन होगी इसके अंदर, मायोपिया वाली कंडीशन भी और हाइपरोपिया वाली कंडीशन भी किसके अंदर होगी, प्रेसबायोपिया के अंदर। और इसके अंदर इसको ट्रीट करने के लिए अपन कौन सा लेंस यूज में लेते हैं, बाईफोकल लेंस, कौन सा, प्रेसबायोपिया के अंदर कौन सा लेते हैं, बाईफोकल, बाईफोकल लेंस, ठीक है, बाईफोकल लेंथ, किसको लेंस, किसको ट्रीट करने के लिए, प्रेस बायोपिया को ट्रीट करने के लिए। तो ये कंप्लीट हुआ यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन, मायोपिया के अंदर क्या होता है, हाइपरोपिया के अंदर क्या होता है, और प्रेस बायोपिया के अंदर क्या होता है, ठीक है। इसके अंदर जो ग्लास यूज में लिया जाता है बाईफोकल लिया जाता है, इसके अंदर कॉन्वेक्स लेंस यूज लिया जाता है, इसके अंदर कॉनकेव यूज लिया जाता है, ठीक है। अब आता है इसके कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से पहले अपन देखते हैं इसके कोजेज, यानी रिफ्रैक्टिव एरर के कोजेज कौन कौन से होते हैं, रिफ्रैक्टिव एरर के कोजेज यानी इटियोलॉजी, कोजेज सबसे पहले देखते हैं कोजेज। जो अभी साइन सिम्टम्स है वो इसके अंदर वही होंगे, पेशेंट को क्या होगा, अनेबल हो जाएगा देखने को, फार साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस, और तीसरा था प्रेस बायोपिया, जिसके अंदर दोनों वाली कंडीशन आ जाती है, मायोपिया और हाइपरोपिया वाली, ठीक है। कोजेस के अंदर क्या होता है, इसके अंदर विटामिन की डिफिशियंसी हो जाती है, विटामिन की डिफिशियंसी फर्स्ट कोज आता है इसके अंदर, विटामिन डिफिशियंसी, विटामिन डिफिशियंसी कौन सी, विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो सकता है, रिफ्रैक्टिव एरर हो सकता है। फिर आता है इसके बाद जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, जेनेटिक यानी कि 1% जो फैमिली के अंदर अगर जेनेटिकली ये प्रॉब्लम है, अपने पेरेंट्स को अगर प्रॉब्लम है तो उनके जो जनरेशन है आगे वाली उनको भी ये हो सकता है, होने वाली जनरेशन को भी ये हो सकता है रिफ्रैक्टिव एरर वाली प्रॉब्लम, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ अलग फैक्टर्स आते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर, वो है एनवायरमेंटल फैक्टर के अंदर ठीक है। एनवायरमेंटल फैक्टर के अंदर सबसे पहले आता है टू मच रीडिंग, यानी ज़्यादा रीडिंग करना, ज़्यादा पढ़ना, ठीक है। फिर इसके बाद आता है टू मच रीडिंग के बाद ऑक्यूपेशन, यानी अपना जो अपना बिजनेस है, ऑक्यूपेशन है वो किस प्रकार का है, जैसे कोई जैसे ज्वेलर्स वाले हो गए, ज्वेलर्स, ठीक है, ज्वेलर्स को भी ये क्या हो सकता है, रिफ्रैक्टिव एरर हो सकता है। या फिर वॉच रिपेयर, जो वॉच को रिपेयर करते हैं, इसके अलावा नेक्स्ट आता है आई सर्जन वाले को भी क्या हो सकता है, रिफ्रैक्टिव एरर हो सकता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर, विटामिन डेफिशिएंसी, जेनेटिक, एनवायरमेंटल फैक्टर में अगर टू मच रीडिंग, ऑक्यूपेशन में जैसे ज्वेलरी का वर्क करने वाले, वॉच रिपेयर करने वाले, और आई सर्जन को भी ये हो सकता है। अब आता है इसके बाद इसके डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, ऐसे कौन कौन से डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन है जिनसे अपन पता लगा सकते हैं कि पर्सन को क्या हुआ है, रिफ्रैक्टिव एरर्स हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आता है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, जो कि अपन हर डिजीज के अंदर देखते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन
हिस्ट्री कलेक्शन, सेकंड आता है फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री में पेशेंट की प्रीवियस हिस्ट्री लेंगे, जो भी प्रेजेंट हिस्ट्री है वो लेंगे, वो सारी अपन करेंगे, ठीक है। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन के अलावा विजुअल एक्यूटी, विजुअल एक्यूटी किस लिए देखते हैं, फार विजन और नियर विजन के लिए, ठीक है। विजुअल एक्यूटी किसके लिए, फॉर फार विजन, फॉर फार विजन लॉस या नियर विजन लॉस, आया समझ में, फार विजन लॉस और नियर विजन लॉस हुआ उसके लिए क्या करेंगे, विजुअल एक्यूटी करेंगे। इसके अलावा और भी जा सकते हैं, जैसे रेटिनोस्कोपी हो गया और स्लिट लैंप एग्जामिनेशन हो गया, स्लिट लैंप एग्जामिनेशन, स्लिट लैंप एग्जामिनेशन, रेटिनोस्कोपी, रेटिनोस्कोपी, ठीक है। ये कुछ क्या हुए, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, जिनसे अपन पता लगा सकते हैं कि पर्सन को क्या हुआ है, रिफ्रैक्टिव एरर हुआ है, ठीक है, कौन से टाइप का रिफ्रैक्टिव एरर हुआ है, वो सब भी अपन डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन से पता लगा सकते हैं कि मायोपिया हुआ है, हाइपरोपिया हुआ है या प्रेसबायोपिया हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है इसका मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या होता है किसका, रिफ्रैक्टिव एरर्स का, ठीक है, रिफ्रैक्टिव एरर का मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट किसका, रिफ्रैक्टिव एरर का मैनेजमेंट क्या होता है, ये क्या करता है, सीवियरिटी ऑफ कंडीशन पर डिपेंड करता है कि कितनी सीवियरिटी है पेशेंट की, उसके ऊपर इसका मैनेजमेंट डिपेंड करता है। अगर माइल्ड रिफ्रैक्टिव एरर है तो किससे अपन ट्रीट कर सकते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से, सॉरी किससे, ट्रीटमेंट इज नीडेड, क्या है, फॉर माइल्ड एरर, अगर रिफ्रैक्टिव एरर हुआ है तो क्या कर सकते हैं, माइल्ड कंडीशन के अंदर अगर है माइल्ड रिफ्रैक्टिव एरर है, क्या है, माइल्ड है, माइल्ड है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है, नो ट्रीटमेंट, वो अपने आप ठीक हो सकता है, ठीक है, माइल्ड कंडीशन के अंदर। माइल्ड कंडीशन में अपने को पता भी नहीं चलता कि अपने को रिफ्रैक्टिव एरर हुआ है। फिर आता है इसके बाद, अगर सिम्टोमेटिक क्या देंगे, पेशेंट को ट्रीटमेंट करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में, यानी पेशेंट को क्या हुआ है, अगर रिफ्रैक्टिव एरर हो गया है तो उस कंडीशन में आई ग्लास, कॉन्टैक्ट ग्लास, ठीक है, इसके अलावा आई ग्लास, कॉन्टैक्ट ग्लास, या फिर क्या कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव सर्जरी भी अपन कर सकते हैं सीवियर कंडीशन के अंदर, ठीक है, रिफ्रैक्टिव सर्जरी, ये कौन से कंडीशन में करते हैं, सीवियर कंडीशन में, सीवियर रिफ्रैक्टिव एरर कंडीशन के अंदर, ठीक है। माइल्ड के अंदर कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती, सिम्टोमेटिक अपन ट्रीटमेंट के अंदर क्या कर सकते हैं, आई ग्लास लगा सकते हैं, कॉन्टैक्ट ग्लास लगा सकते हैं, रिफ्रैक्टिव सर्जरी कौन सी कंडीशन में करते हैं, सीवियर कंडीशन के अंदर। इसके अलावा इसका ट्रीटमेंट है वो कॉन्टैक्ट ग्लास या आई ग्लास है, जो कि अपन ने जो इंट्रोडक्शन पढ़ा था, मायोपिया, हाइपरोपिया और प्रेसबायोपिया के, उसके अंदर पढ़ा था, कौन क्या पढ़ा था, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस और बाईफोकल लेंस, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ यहाँ पर रिफ्रैक्टिव एरर। अगर रिफ्रैक्टिव एरर से आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अपने फ्रेंड्स वगैरह के अंदर क्लासेस लेने के लिए कहिए, शेयर करिए। और अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना है तो व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करिए, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप इमेज बेस्ड और वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पेज का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आज अपना जो आई सिस्टम है, आई के डिसऑर्डर है, वो कंप्लीट किए। नेक्स्ट अपन एमएसएन के अंदर नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास से। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।